अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय चैनल इंफॉर्मेशन जोन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो गैस रिफ्लेक्टिव साइकिल के टॉपिक पर बनाई जा रही है, जो कि बीएड के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको ये टॉपिक बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगी, उसके बाद आप बुक का रिव्यू करना, एंड देन इंशाल्लाह ताला यू विल बी एबल टू राइट इट बाई योर सेल्फ। गिफ्ट बेसिकली कहते हैं कि आप जो कुछ सीख चुके हैं उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है, वो आपको गिफ्ट रिफ्लेक्टिव साइकिल सिखाता है। प्रोफेसर ग्राहम गिफ्ट, उन्होंने बेसिकली ये जो साइकिल है वो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को इन्फ्लुएंस करने के लिए दिया था, लेकिन जिंदगी के किसी भी पहलू में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बहुत ही आसान मिसाल लेकर ये पूरा साइकिल समझा दूंगी। फ्रेंड्स, हम मिसाल लेते हैं एक स्टूडेंट की। उसने स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। अब वो गिफ्ट रिफ्लेक्टिव साइकिल के थ्रू क्या करेगा कि उस एक्सपीरियंस से उसने जो कुछ सीखा उसको नए एक्सपीरियंस में किस तरह से अप्लाई करना है, ये साइकिल आपको गिफ्ट रिफ्लेक्टिव साइकिल सिखाएगा। तो चलिए आइए सीखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। गिफ्ट रिफ्लेक्टिव साइकिल आपको कहता है कि वो लिंक करता है थ्योरी को प्रैक्टिस के साथ, कैसे इंगेज करके आपको सिक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज में। सिक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज क्या हैं? वो छह एक्टिविटीज हैं। पहली है डिस्क्रिप्शन, दूसरी फीलिंग्स, तीसरी एवलुएशन, चौथी एनालाइजिंग, पांचवी कंक्लूडिंग और छठी है एक्शन प्लान। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन में क्या है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक स्टूडेंट स्पीच दी है, तो अब पहले जो उसका साइकिल का प्रोसेस है जिसको हम डिस्क्रिप्शन कहते हैं, उसमें उसने क्या करना है, उस पर उसने सबसे पहले देखना है कि व्हाट हैपेंड, ये एक स्पीच कॉम्पिटिशन था, ओके। रीजन ऑफ योर इन्वॉल्वमेंट क्या थी? इन्वॉल्वमेंट ये थी कि मेरा पैशन है कि मुझे स्पीच देना है, ठीक है। बींग अ स्टूडेंट मैं आपको समझा रही हूँ। व्हाट यू डिड, आई हैव गिवन द स्पीच। हु वाज देयर एंड व्हाट दे डिड। डेफिनेटली जब स्पीच कॉम्पिटिशन उसने स्पीच दी है तो वहाँ जजेस होंगे, वहाँ ऑडियंस होगी, ठीक है। व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया, इसका आपने सिर्फ एक शॉर्ट रिव्यू डिस्क्रिप्शन के अंदर बयान करना होता है, ठीक है जनाब। डेफिनेटली आपने स्पीच दी है तो स्पीच के बाद लोगों का कुछ रिफ्लेक्शन सामने आया होगा, रिएक्शन सामने आया होगा, ठीक है, कि वो या तो खुश हुए होंगे या तो वो बोर हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपने जब ये चीज़ें बयान कर दी तो उसके बाद आपने सेकेंड स्टेप में जाना है, वो है फीलिंग। फीलिंग में ये है कि स्पीच देने के बाद आपने क्या सोचा या आपको क्या फील आया, ठीक है। डेफिनेटली स्पीच अगर अच्छी गई होगी तो आपको अच्छा फील आया होगा, बुरी गई होगी तो आपको बुरा फील आया होगा। फिर एवोल्यूशन की तरफ आते हैं कि उस स्पीच के दौरान क्या क्या गुड हुआ और क्या क्या बैड हुआ, ठीक है। इसकी मिसाल ले लेते हैं। सपोज टू बी फ्रेंड्स, आपने स्पीच जो थी वो इंग्लिश में लिखी हुई थी, लेकिन जो सामने ऑडियंस बैठी थी उसे इंग्लिश नहीं आती थी, वो सिर्फ उर्दू, मेजोरिटी वहाँ ऐसे थे जिनको उर्दू समझ आती थी, और आपने स्पीच इंग्लिश में दे दी, ये आपका एक बैड एक्सपीरियंस काउंट हो गया, ठीक है। गुड एक्सपीरियंस में ये था कि जब इंटर हुए उसके बाद आपने बहुत ही एक्साइटमेंट तरीके से आपने अपनी तकरीर का आगाज किया है, जिसने तमाम ऑडियंस को आपकी तरफ मुतवज्जे कर लिया, ठीक है, या फिर गुड पॉइंट हो गया, ठीक है। या फिर गुड ये भी है कि आपने जब स्पीच एंड अप की तो आपने शेयर के साथ की, उसके सुनने के बाद तमाम लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो ये आपके गुड पॉइंट्स में काउंट हो गया। मिसालें दी आपको, उसी तरह आपने अपने गुड पॉइंट्स निकालने हैं उस इवेंट से, उस एक्सपीरियंस से जो आप उसी वक्त जो आपने फेस किया है, और आपने तमाम बैड पॉइंट्स निकालने, ठीक है जनाब। आगे बढ़ते हैं। साइकिल का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है डिस्क्रिप्शन टू, जिसको हम एनालाइजिंग भी कहते हैं। उसमें आपने थ्योरी और प्रैक्टिस को कंपेयर करना है, ठीक है। जो कुछ आपने लिखा, जो कुछ आपने सोचा, ठीक है, क्या वो पुट इनटू प्रैक्टिस हुआ है? आया ऐसा ही कोई एक्सपीरियंस, अगर इसी तरह की कोई स्पीच आपने पहले भी दी थी तो उसके और अब की स्पीच के दरमियान क्या फर्क आया है, ठीक है, और क्या चेंजेस आई हैं और क्या सिमिलैरिटीज थी? फिर आपने क्या देखना है? फिर आपने देखना है आपने एक्चुअली किया क्या, ठीक है, आपने क्या चूज किया। मिसाल के तौर पर आपने चूज किया था कि आप इंग्लिश में स्पीच देंगे, ठीक है। व्हाट चॉइसेस डिड यू मेक, मैं मिसाल दे रही हूँ कि मैंने चूज किया कि मैंने इंग्लिश में स्पीच देनी है, लेकिन जब मैंने स्पीच दी व्हाट इफेक्ट डिड दे हैव, तो वो सामने वाली ऑडियंस बोर हुई। क्यों बोल रही, क्योंकि इंग्लिश समझ नहीं आती, ठीक है। फिर आपने एक एलैबोरेटिंग वे में डिस्क्रिप्शन टू एनालाइजिंग में लिखना होता है कि आप, या सोचना है कि आपने जो है वो आपने क्या चूज किया स्पीच देते हुए, क्या क्या पॉइंट्स आपने कंसिडर किए कि आपने स्पीच देते हुए ये करने हैं, ठीक है, और उनका रिस्पॉन्स क्या आया, ठीक है। बेसिकली इसमें आपने ये करना है। फिर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं।
आप कंक्लूजन निकाल दीजिए। कंक्लूजन में आपने क्या करना होगा, आपने चूज करना होगा बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन कैसे चूज करना है, आपने अवेलेबल ऑप्शन से ही बेस्ट ऑप्शन निकालेंगे ना। सपोज टू बी, अब आपने ये सीख लिया ऑप्शन क्या थे, इंग्लिश में स्पीच देनी है, उर्दू में स्पीच देनी है, स्पीच की लैंग्वेज चूज करनी है विद रिस्पेक्ट टू द ऑडियंस। हर बार इन तीनों ऑप्शन में से डेफिनेटली आप थर्ड ऑप्शन अवेल करेंगे, ठीक है। एक ये चीज होगी। दूसरी बार स्पीच जो मैंने स्टार्ट लिया था, मैंने बहुत एक्साइटमेंट वे में लिया था, क्या ये ठीक था या मुझे नॉर्मल लेना चाहिए था या मुझे थोड़ा सा पोलाइट वे में लेना चाहिए था, ठीक है। नहीं जी, इस बार जो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि मैंने बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और पुरजोश तरीके से जब मैंने अपनी स्पीच का आगाज किया तो लोग मेरी तरफ बहुत ज़्यादा मुतवज्जा हो गए थे, तो यानी ये वाला ऑप्शन मेरे लिए ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह आपने बहुत सारे ऑप्शन अपने निकालने हैं और उनमें से बेस्ट ऑप्शन को आपने निकालते रहना है। उसके बाद आपने ये देखना है कि चलिए ये तो वो चीज़ें होंगी जो आपने चॉइसेस सेलेक्ट आउट की थी और फिर उनके इफेक्ट देखकर आपने बेस्ट ऑप्शन निकाल लिए। अब कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं कि वो आपको आती होती हैं, वो आप कर सकते हैं लेकिन आप कर नहीं पाए, ठीक है। स्पीच देने के दौरान आप कभी कभार होता है ना, हम कोई इवेंट परफॉर्म करके आते हैं, कुछ करके आते हैं, तो हम कहते हैं ओहो मुझे तो ये आता था, मैंने ये नहीं दिया लेकिन मुझसे ये नहीं हो पाया, ठीक है। व्हाट एल्स कुड बी डन, और क्या क्या हो सकता था जो कर सकते थे, ठीक है जनाब। फिर आपने बनाना है एक्शन प्लान, एंड दिस वाज द लास्ट पॉइंट। एक्शन प्लान में आपने क्या करना है कि आइंदा जब स्पीच कॉम्पिटिशन दोबारा आपके सामने आएगा तो आपने उसको कैसे परफॉर्म करना है। एक्शन प्लान में क्या लिखना है, डेफिनेटली जो कंक्लूड कर चुके हैं ना बेस्ट ऑप्शन, कि मुझे ऑडियंस को देख के लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वे में अपना आगाज करना है, मुझे स्पीच के एंड में शेर बोलना है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन जो आप कंक्लूड कर चुके हैं वो अपने एक्शन प्लान में लिखने होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो गिफ्ट रिफ्लेक्टिव साइकिल है ये बेसिकली आपकी जिंदगी की तैयारी है कि आपने चलना कैसे, क्योंकि एक बहुत वसी थिंकिंग प्रोसेस है जिसमें आप एक बार सोचते हो, फिर आप दोबारा सोचते हो, ठीक है, और फिर उन चीज़ों को अपने नेक्स्ट एक्सपीरियंस में इंप्लीमेंट करते हो। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का। अप टिल देन, अल्लाह हाफिज़।